दोस्तों भारतीय बाजार में आ रही है मारुति सुजुकी की एक और जबरदस्त अपडेटेड कार जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भारतीय बाजार में आखिरकार नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को फाइनली भारत में लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। सबसे खास बात भाइयों इस कार की ये होने वाली है कि तमाम खूबियों के बारे में इस कार को चर्चाओं में अभी तक रखा गया है और कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि हमारी सर्वो अब पुराने मॉडल की तुलना से काफी अपडेट होकर भारत में आने वाली है जो कि हर सभी भारतीयों का पहले जैसा दिल जीतने वाली है। तो आज की वीडियो खास आप सभी के लिए इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन सर्वो के लॉन्चिंग डेट स्पेसिफिकेशंस और इंजन डिटेल और हर उस खूबी के बारे में जो कि आपको इस कार को लेने में काफी मदद करने वाली है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का कार लेने का सपना मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद पूरा आज ही हो सकता है। तो वीडियो पूर्ण रूप से अंत तक जरूर देखिएगा। मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के तौर भारत के लिए डिजाइन किया गया है। जो ग्राहक कम बजट में अपनी एक एसयूवी कार लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से सर्वो के बाद खुश काफी होने वाले हैं। बीते 4 अक्टूबर को इस कार को पहली बार भारत में टेस्टिंग के दौरान भारत की सड़कों पर देखा गया था और इस कार के कॉन्सेप्ट मॉडल को 2019 में पहली बार रिवील किया गया था, जिसके कारण चर्चाओं में चल रही इस जबरदस्त छोटी कार को भारत में लॉन्च करने का पूर्ण रूप से ग्राहक उत्सुकता से तैयार और इंतजार कर रहे थे। मारुति सुजुकी का दावा है ये अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ती और सबसे किफायती कार कम बजट में होने वाली है, जो कि आम इंसान के कार लेने का सपने के साथ ही साथ एक एसयूवी कार लेने का सपना भी पूरा करने वाली है। भाइयों सबसे ज्यादा खुश करने वाली बात तो ये है कि मारुति सुजुकी की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सर्वो की प्री बुकिंग भारतीय बाजार में फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। जिन ग्राहकों को अभी तक नहीं पता है कि इस कार को किस तरीके से बुक किया जाएगा और कितनी डाउन पेमेंट आपकी लगने वाली है, क्या हम इस कार को EMI ऑप्शन पे भी ले सकते हैं, तो जी हाँ आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन सर्वो की प्री बुकिंग ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीके से डीलरशिप द्वारा ली जा रही है, जिसका टोकन अमाउंट राशि कंपनी ने केवल 5,000 रूपए निश्चित तय किया है जो की रिफंडेबल अमाउंट भी होने वाला है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी रखा है और एक्सचेंज बोनस का आप लाभ भी उठा सकते हैं। यानी मारुति सुजुकी की कोई भी पुरानी कार आपके पास है और आप नई कार में अपडेट होना चाहते हैं तो आप एक्सचेंज के तौर पे नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को अपने घर जरूर से ले जा सकते हैं, है ना कमाल की बात। मारुति सुजुकी का दावा है कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सर्वो एक इंजन ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में तहलका मचाने वाली है, जिसपे आप सभी को केवल मैनुअली ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने वाला है। कंपनी का ये भी कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन सर्वो का माइलेज पूर्ण रूप से ऑल्टो तथा ऑल्टो K10 के नए वेरिएंट से आसपास मिल सकता है। बात करें इंजन तथा पावर की तो आखिरकार इस कार में ऐसे कौन से इंजन का प्रयोग किया गया है जिसके कारण ये कार काफी सुर्खियां भारतीय बाजार में बटोर रही है। तो नेक्स्ट जनरेशन सर्वो में भाइयों आप सभी को 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज नेचुरल एसिड वाला पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि ये आप सभी को 6.50 सेकंड में 0 से 60 की प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाने में क्षमता रखता है। भारत की सड़कों पे ये कार आपको 82 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ 93 Nm का जबरदस्त पिकअप टॉर्क बना के देती है, जिसके कारण रोडों पे ये उड़ती हुई नजर भारत में आने वाली है। साथ ही साथ इस कार में आपको 5-speed मैनुअली तथा ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। यानी सर्वो को अब पूर्ण रूप से ऐसे बेहतरीन इंजन ऑप्शन के साथ अपडेट किया गया है जो कि भारत में मौजूद और आने वाली पीढ़ी दर तक कारों को टक्कर दे सकती है। कुछ ऐसे अहम फीचर्स की बात कर ली जाए जो कि नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को भारत में अन्य कारों से काफी अलग बनाती है, तो जी हाँ भारत में आने वाली सुजुकी नेक्स्ट जनरेशन सर्वो काफी एसयूवी की तरह 4 मीटर फीचर्स ऑप्शन के साथ नजर भारत में आने वाली है, जो उसे छोटी साइज में भी कॉम्पैक्ट बेहतरीन एसयूवी वाला लुक मार्केट में मिलता है। इसमें ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस तो आपको मिलता ही है, जो कि ऊबड़ खाबड़ रस्तों पे आप सभी को झटके नहीं मिलते हैं। कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन सीट को भी इस कार में शामिल किया गया है। सभी सवारियों के लिए बेहतरीन इस कार में स्पेस और हाई एंड फीचर्स को शामिल किया गया है।
सर्वो को पूर्ण रूप से 193 mm का रखा गया है, जो कि हैचबैक कारों से 170 mm तक ज्यादा बताया जा रहा है, जो कि वाकई में ही इस कार को अन्य हैचबैक कारों से काफी अलग भारत में बनाता है। फ्रंट की बात करें तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन सेटअप दिखाई देता है, जो कि इस कार के सामने के फेस को जगमगाता है। इसमें रेटिना अपडेट ग्रिल को शामिल किया गया है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ कार को एक अलग ही बेहतरीन लुक भारत में देती है। इसमें ब्रांड न्यू बड़े सुजुकी के लोगो को दर्शाया गया है, जो कि कंपनी के नाम को और भी ज्यादा बढ़ाता है। कुल मिलाकर देखने में दोस्तों ये लगती है भारत की छोटी माइक्रो SUV सेगमेंट की कार। नेक्स्ट जनरेशन सर्वो के फीचर्स और इंटीरियर की बात कर ली जाए तो बाहर से जितना इस कार को खूबसूरत बनाया गया है, बजट को हिसाब में और ध्यान में रखते हुए कार के इंटीरियर और फीचर्स को भी उसी तरीके से डिजाइन और मॉडिफाई इस कार में किया गया है, जो कि आप सभी को बैठने के बाद एक प्रीमियम लुक कार में 100% मिलने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन सर्वो के इंटीरियर और फीचर्स की तरफ गौर करते हैं तो भाइयों, इस कार में पहले जो आप सभी की आंखों के सामने आएगा, यानी छोटा नहीं, मारुति सुजुकी ने बजट सेगमेंट के हिसाब से आपको बड़ा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के साथ शामिल किया गया है, जिसमें IFSO अपडेट ऑप्शन को भी शामिल किया गया है। दोनों साइड आप सभी को मैनुअली AC मिलते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएंट के हिसाब से नहीं रखा गया है। साथ ही साथ कार में आप सभी को USB पोर्ट ऑप्शन के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी कार में मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों कार में काफी अच्छा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें 5 लोग बैठ के आसानी से सफर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फ्रंट और रियर पावर विंडो को शामिल किया गया है। एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट्स और क्रूज कंट्रोल, रियर फेक सीट्स और फुल्ली ऑटोमेटिक टैंपिंग कंट्रोल जैसे फीचर्स आप सभी को इस कार में मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स के मामले में दोस्तों मारुति सुजुकी की कारें चाहे कम परफॉर्मेंस भारत की सड़कों पर और कई सेफ्टी फीचर्स के मामले में देती हो, मगर नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर डिजाइन भी किया गया है, जिसके चलते सेफ्टी भी आप सभी को इस कार में महत्वपूर्ण मिलने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट के तहत पूरे 4.9 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि भारत में एक अहम भूमिका निभाती है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पे अगर आप इस कार के कुछ सेफ्टी फीचर्स की एडवांस की बात करें तो कार को ग्लोबल एडजस्टेबल अपडेट सिस्टम के साथ शामिल किया गया है। फ्रंट पे पूरे 3 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा आपको मिलती है। एब्री टेक्नोलॉजी के साथ ABS को शामिल किया गया है। 360 डिग्री कैमरे को बैक में ही केवल शामिल किया गया है। IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम के साथ क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हील होल असिस्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, वार्निंग अपडेट सेंसर को भी शामिल कर दिया गया है। तो भाइयों, कीमत कितनी होने वाली है, क्या इस कार को हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो जी हाँ, मेरे ख्याल से दोस्तों इस कीमत को सुनके आप हैरान इस वीडियो में होने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन सर्वो की कीमत की बात कर ली जाए तो इस कार को भारतीय बाजार में एक शोरूम प्राइस यानी 3.90 लाख रुपीज से स्टार्ट किया जाएगा। वही इस कार के टॉप वेरियंट को दोस्तों 4.80 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस में खत्म कर दिया जाएगा। ऑन रोड प्राइस अगर आप इस कार को लेते हैं तो 4.40 लाख रुपीज ये बढ़ने वाली है, जिसके कारण आप सभी इस कार के बेस वेरियंट को अपने लिए चुन सकते हैं। सबसे खास बात तो ये कि 5,000 की बुकिंग के साथ आपको एक्सचेंज ऑफर्स भी इस कार में देखने को मिल रहा है। पुरानी सुजुकी की कार लाइए और अपनी नई सर्वो को ले जाइए। तो देरी किस बात की भाई, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस कार को लेने का प्लान अपनी फैमिली के साथ बना चुके हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। मैं दूंगा आप सभी को लिंक, जहां पर विजिट करके इस कार की जानकारी लेकर आप विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं और इस कार को बुक भी आसानी से कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।